वेलकम बैक। वेल आज के वीडियो में हम सेकंड बात करेंगे get.io यानी कि क्रिप्टो के एक्सचेंज के बारे में। यहाँ पर कहने के तो हमारे पास बहुत सारे एक्सचेंजेस ऑलरेडी मौजूद है जिसके ऊपर आप और हम जो है वो ट्रेड करते हैं, कुछ पोर्टफोलियो जो है वो होल्ड भी करते हैं। सम केसेस के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज के अंदर होल्ड करते हैं। क्या ये सेफ है? तो जवाब है नहीं, सेफ नहीं है, ठीक है ना। मेरी जो पर्सनली जो है वो आपके लिए राय यही होगी कि भैया बाइनेंस हो गया, कुकॉइन हो गया और उसके बाद हॉटबिट और get.io ये बड़े और मेजर एक्सचेंजेस है जिसके अंदर मेरा पर्सनली जो है वो बिलीव है, जिसके अंदर मैं काफी अर्से से जो है वो काम कर रहा हूँ। याद रखिएगा कि get.io हो गया या फिर हॉटबिट हो गया, ठीक है, ये वो एक्सचेंजेस है जो पुराने टाइम से अब तक चलते चले आ रहे हैं। और याद रखिएगा कि ये एक वो ट्रस्टेड एक्सचेंजेस हो सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना get.io की, तो इसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें पूरी की पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ी? उसकी वजह ये है कि कोई भी कॉइन जो है वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने से पहले स्पेसिफिक दो एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो लिस्ट होता है, ठीक है ना। वो दो कौन से एक्सचेंजेस है? सबसे पहला जो है वो get.io, ये वो एक्सचेंज है जहाँ पर जो कोई कॉइन लिस्ट हो जाए, तो याद रखिएगा इसके ऊपर जो है वो एक्सपेक्टेड ये किया जाता है कि भैया ये उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो आता है वो किसका? बाइनेंस का आता है, ठीक है। जब भी कोई भी कॉइन जो है वो get.io पे लिस्ट होगा तो याद रखिएगा कि वो बाइनेंस के ऊपर नेक्स्ट स्टेप पे होगा, क्योंकि उसका बेसिक रीज़न ये है कि भैया सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसे जो है वो प्राइस एप्रिसिएशन के लिए ना क्या चाहिए होती है? ट्रेडिंग का वॉल्यूम चाहिए होता है डेली की बुनियाद पर, ठीक है ना। और ये जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम आपको मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो get.io से मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक दिन का अंतर जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम है वो लगभग से ज़्यादा 1 बिलियन से ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब कहने को तो ऑन वर्ड्स ये बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा डिजिट्स होता है, ठीक है ना। तो यकीन है यहाँ पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी कम्युनिटी मिल जाती है, और साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर आपको अच्छी सर्विसेज मिल जाए, एक अच्छा ट्रस्ट मिल जाए, ठीक है ना, तो आप फिर कहीं और नहीं जाते, ठीक है। इवन कि यहाँ पर मैं आपको बड़ी बात बताऊँ कि भैया इनकी रोजाना की बुनियाद पे, डेली की बुनियाद पे टास्क भी मिलते हैं, आपको रिवॉर्ड भी मिलते हैं। इवन कि फ्रेश साइनअप के ऊपर आपको पता है कि लगभग $50 जो है वो आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आपने अकाउंट साइनअप किया और आपको रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है। आपको उसके अंदर डिपॉजिट भी करना पड़ता है, उसके ऊपर आपको ट्रेड भी करना पड़ता है, और ट्रेड के साथ आपने प्रॉफिट भी अर्न किया, तो याद रखिएगा कि प्रॉफिट अर्न के साथ आप उस फ्लैश उस USDT को भी विड्रॉ कर सकते हो जो कि आपको रिवॉर्ड की सूरत में मिले, ठीक है। तो यकीनन आपको ये अपॉर्चुनिटी का मैं समझता हूँ पर्सनली फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास अभी भी, तो अब आपने करना क्या है, आपको मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरा लिंक भी आप इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर आप अपना खुद का लिंक बनाना चाहें तो गुड टू गो है, आप वो भी बना लीजिएगा। लेकिन 50 USDT जो आपको यहाँ से इसी लिंक से मिलेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ अकाउंट साइनअप कर देना है, रख देना है। जब भी फंड आपके पास पोर्टफोलियो आए तो आपने यहाँ पर डायरेक्टली विड्रॉ डिपॉजिट करना है, उसके बाद 1-2-3 ट्रेड भी ले लो। ट्रेड लेने के बाद जो है वो आपने प्रॉफिट अगर हो गया तो गुड टू हो, आपने वो $50 वो भी कमा लिया, वो भी मांगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों का स्पेशली जो है वो ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है, इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। आप कोई भी एक्सचेंज के ऊपर साइनअप करते हैं ना, आपका आप ईमेल से उसको लिंक करते हो, ठीक है ना। और वो ईमेल कौन सा होता है, वो आपके मोबाइल के अंदर होता है, जो कि आपके पॉकेट के अंदर मोबाइल रखा होता है वो उसी के अंदर उसका ईमेल होता है, ठीक है। लेट्स से कि अगर आपका एक्सचेंज बंद हो जाता है, कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट, जब भी कोई भी एक्सचेंज को आप लॉगिन करते हैं, साइनअप करते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा आपने उस अकाउंट से, उस जीमेल से नहीं करना साइनअप जो कि आपकी नॉर्मली कॉमन आप यूज़ करते हैं। याद रखिएगा कि क्रिप्टो के लिए, स्पेशली क्रिप्टो के लिए आपको एक स्पेसिफिक जो है वो अलग ईमेल बनानी चाहिए, और उसके अंदर वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको जो रिसीव हो, ईमेल्स वगैरह रिसीव हो, वो किसकी हो, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो से रिलेटेड ही आपको जो चीज़ें रिसीव हो। तो आपको पता है कि भैया अगर इस ईमेल के ऊपर मेरी कोई नोटिफिकेशन आई है, कोई मेल आई है, तो किनार आपको पता होगा कि भैया ये क्रिप्टो की तरफ से मेल है, ये क्रिप्टो कम्युनिटी की मेल है, या कि ये एक्सचेंजेस वगैरह से मेल आई है, तो आपको वहाँ पर पता चल जाता है कि आपकी प्योरिटी क्या है, ठीक है। आपको देखना है, अभी देखना है, बाद में देखना है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और आप वो ईमेल का यूज़ करें जो कि मोबाइल आपका आपके घर पे हो, ना कि आपके जो है वो साथ आप उसको कैरी कर दो। याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी अगर मुझे भी आपका मोबाइल मिल जाता है या किसी को भी आपका मोबाइल मिल जाता है, तो वो इंस्टेंटली आपके एक्सचेंज का जो है वो पासवर्ड चेंज भी कर सकता है, ठीक है, मोबाइल से ही आपका, क्योंकि मोबाइल आपको रिसीव होगा तो क्या होगा,
क्योंकि आप जब वेरिफिकेशन का कोड आएगा वो आपके मोबाइल पे आएगा, आपका मोबाइल मेरे पास है, वेरिफिकेशन का ईमेल आएगी वो किस पे आएगी, वो उस ईमेल पे आएगी, और वो ईमेल कहाँ पर है वो मेरे पास है। तो मैंने दोनों की दोनों चीज़ें चेंज कर ली। और पता है आपको, आपका अगर पोर्टफोलियो 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 डॉलर का है तो याद रखिएगा कि आपको समझ में आ गई कि भैया आपने 1,000, 10,000 और 1,00,000 डॉलर से हाथ धो दिए, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपने स्मार्टली प्ले करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको स्मार्टली प्ले करना है, ठीक है। आई होप कि यहाँ पर मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और कंडीशन होती है, मेक श्योर कीजिएगा अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं पर्सनली जिस मोबाइल के अंदर अपना एक्सचेंजेस क्रिप्टो वॉलेट जो है वो रखता हूँ, याद रखिएगा मैं वहाँ पर ना अपना इंस्टाग्राम चलाता हूँ, ना फेसबुक चलाता हूँ, ना टिकटॉक चलाता हूँ, और ना ही किसी भी किस्म की सोशल मीडिया ऐप चलाता हूँ। बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई इश्यू हो जाए जिसके लिए हमें रेडी ना हो, तो आपने क्या करना है, इसके लिए एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड मोबाइल अलग से रखना है, याद रखिएगा। उसको आप लगेंगे जो वहाँ पर आपका किसी भी किस्म का सोशल मीडिया एक्टिव नहीं होना चाहिए। इवन के मैं कहूँगा कि आपको एटलीस्ट आपका उसके वाईफाई के साथ भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाईफाई कनेक्ट होगा तो इश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल वॉलेट है, एक डब्बी है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है, ये एक्स्ट्रा सेफ्टी है, ठीक है। इसलिए उन लोगों के लिए जो कि जिनका पोर्टफोलियो भी छोटा है, जो अभी इनिशियल स्टेज पे स्ट्रगलिंग फेज पे जो कि काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को अवेयर होकर स्मार्टली प्ले करना है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करें, इससे पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि भैया इसी तरीके से हमारे पास जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी मिल चुके हैं, हमारे को सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी मिल चुके हैं, और उसके बाद हाइब्रिड एक्सचेंज भी हमारे को अभी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अभी हाइब्रिड एक्सचेंज क्या है, ठीक है, आने वाली अपकमिंग वीडियो को हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि भैया एक्चुअल में ये हाइब्रिड ब्लॉकचेन क्या है, इसका कंपैरिजन क्या हो सकता है, और तमाम की तमाम चीज़ें हम आज अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि स्टे ट्यून, आपने हमारे साथ रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बिकॉज क्या अभी एक न्यू ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अगर स्पेशली मैं बात करता हूँ, तो भैया क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर के अंदर आ रही है, लीगल टर्म में आ रही है, क्या वाकई में ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर भी हम जो है वो अपकमिंग वीडियो जो आपके साथ शेयर करेंगे, तो मेक श्योर कीजिए कि आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये न्यूज़ और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्या रूल्स, क्या रेगुलेशन है आपको स्पेशली पाकिस्तान में रहते हुए जब आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर हमने पूरी की पूरी डेडिकेटेड वीडियो भी बना के रखी है, तो मेक श्योर कीजिएगा आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा वीडियो के यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो यहाँ पर एंड स्क्रीन के अंदर मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो दे रहा हूँ, मेक श्योर कीजिएगा आपने उसको देख लेना है, क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट है जो कि बैनीज के अंदर काम कर रहा है, बट अपना खुद का बैलेंस का अपना खुद का प्रोडक्ट है, जिसके अंदर आपको एक ट्रस्ट लेवल बन जाता है, एक बिलीव आ जाता है कि भैया ये एटलीस्ट $1 को जाएगा। पर्सनली मैं इसको होल्ड करके देता हूँ, और मैं यही चाहूँगा कि भैया एटलीस्ट ये इसके अंदर आपको जो है वो अपनी पोजिशन बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब तो मार्केट अच्छी खासी पंप हो गई, तो जैसे ही मार्केट जो है वो रेड हो, लाल गुलाब के लाल गुलाब हो, तभी आपने पोजीशन बना लेनी है। लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या है इसके अंदर, ये चीज़ आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये अपना खुद का बाइनेंस का अपना खुद का एक्सचेंज भी आपको बताया कि टॉप का नंबर वन एक्सचेंज है। अब बाइनेंस का अपना खुद का अगर कोई प्रोटोकॉल हो, कोई टोकन हो, तो याद रखिएगा उसका भी पोटेंशियल वही होगा जो कि BNB कॉइन का, ठीक है। तो मेक श्योर यहाँ पे ये कीजिएगा इसके अंदर एटलीस्ट आपने पोजीशन बना ले ली है, अगर एक दो हार्मिंग के लिए जो आप इंतजार कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव से इस प्रोजेक्ट को देखेंगे, तो यकीनन आपके लिए बहुत बड़ी चांदी हो सकती है, ठीक है ना। तो मेरा वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, साइनिंग ऑफ।